गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड मैंने यहाँ पे कलर लिख रखे हैं कि कौन से कलर यूज़ करें, क्योंकि कुछ लोग नहीं समझ पाते, आवाज़ इतनी अच्छे से नहीं आती। एंड हमने यहाँ पे पर्पल और वाइट यूज़ किया है, और यहाँ हमने नॉर्मल ब्लू कलर लिया है, उसके अंदर वाइट थोड़ा सा मिक्स करके। और ये भी पहाड़ी है जो थोड़ा छोटा है, पीछे की तरफ को है, तो अभी यहाँ पर मैं वाइट कलर यूज़ कर रही थी, उस पर थोड़ी शेडिंग डाल रही हूँ। एंड आप चाहें तो उसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो एंड शेयर भी कर दो। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और बानी कनौजिया व्लॉग्स को भी कर दो, और मेरी और भी ऐसी इंटरेस्टिंग सी पेंटिंग के संग वीडियो में लाती रहूँगी। यहाँ पे भी हमने कलर जो यूज़ किया है, मैंने लिख दिया है, यहाँ मैं पहाड़ में माउंटेन में शेडिंग दे रही हूँ। एंड वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ प्लीज प्लीज। एंड बार बार ड्रेस चेंज हो रही है, तो ये एक दो दिन छोड़ के, जैसे 2-3 दिन लगे हैं इसको बनने में, तो इस वजह से। और यहाँ पे हमने ब्लू यूज़ करा नॉर्मल, एंड यहाँ पे हमने नॉर्मल ब्लू यूज़ करा, आप देख रहे होंगे मैंने लिखा हुआ भी है कौन सा कलर हम यूज़ कर रहे हैं। पहाड़ में शेडिंग डाल रहे हैं, यहाँ पे हमने ग्रीन लिया है। और ब्रश मैटर नहीं करता कि कौन सा ब्रश होना चाहिए। एंड मैं इसमें दूसरी बार वॉइस ऐड कर रही हूँ अपनी, क्योंकि इतना शोर मचाते हैं ना ये लोग सच में। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कर दो। और यहाँ पे हमने लिया है ग्रीन और येल्लो, जिससे अच्छी से ग्रास की शेडिंग दे सके हम लोग। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रास की शेडिंग मैं फ़ैन ब्रश से दे रही हूँ। यहाँ पे मैंने नॉर्मल फ्लैट ब्रश यूज़ किया, या फाइबर वाला ब्रश यूज़ कर सकते हैं। ब्रश से रिलेटेड पेंटिंग वीडियो भी आएगी मेरी इसके बाद। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, मैं सबसे बोलती हूँ जो भी देख रहा है उसको सब्सक्राइब कर दो, लाइक और कमेंट में बता दिया करो कैसी लगी आपको पेंटिंग। और यहाँ पर हमने नॉर्मल प्योर वाइट लिया है, ठीक है, और उसके बीच में हमने येलो येलो डॉट लगा दिए कि फ्लावर लगे, तो ये मैंने कर लिया था। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे ग्रास के लिए थोड़ी सी लाइनिंग कर रहे हैं, फिर उसके बाद फ्लावर बनाए हैं हमने फ्लैट ब्रश से, वाइट कलर से फ्लावर। अब हम 4 साइड टेप रिमूव करेंगे। और इंस्टाग्राम पे ये पेंटिंग सबको बहुत पसंद आई है, आई होप आपको भी अच्छी लगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब। एंड रियलिस्टिक बनाने की पूरी पूरी कोशिश की है, अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दो। एंड मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से पेंटिंग के संग। बाय।